नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम आपको पता ही है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम मिनरल्स को, विटामिन्स को और अमीनो एसिड्स को डिस्कस करेंगे। और पहली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कैल्शियम और फॉस्फरस के रोल्स के बारे में और उनकी क्या क्या डोजिंग रहेगी डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स में, राइट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोडियम और क्लोराइड को और तीन और मिनरल्स को, वो है हमारे पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सोडियम और क्लोराइड की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। सोडियम क्लोराइड एक ऐसे मिनरल्स हैं जो सबसे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं हमें मार्केट से, क्योंकि एज अ नमक फॉर्म हम डाल सकते हैं अपनी फीड में। इनकी रिक्वायरमेंट जितनी ही ह्यूमंस में इंपॉर्टेंट है, वो उतनी ही स्वाइन के केसेस में इंपॉर्टेंट है। ये बॉडी का अनायन कटायन जो बैलेंस है उसको बैलेंस आउट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें इनका जो इनटेक है वो नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बोलूं आपको, सोडियम क्लोराइड में सोडियम कितना है 40% और क्लोराइड कितना है 60%। ग्रोइंग और फिनिशर जो पिग्स हैं उसमें इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 0.25%। और अगर मैं बात करूं स्टार्टर्स की और सो की, उनमें इसकी रिक्वायरमेंट है अराउंड 0.5 से लेके 0.75% तक। और डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं कि सोडियम और क्लोराइड कितना कितना चाहिए हमारे पिगलेट्स को, अगर हमारा पिगलेट 5 kg to 7 kg है उसमें सोडियम चाहिए 0.4% और क्लोराइड चाहिए 0.5%। और अगर हमारा पिग 100 kg से अबव है तो उसमें सोडियम चाहिए 0.1% और क्लोराइड चाहिए 0.08%। आप देख सकते हो कि इनिशियल स्टेज में जब पिगलेट की फॉर्म में है तो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, और जैसे जैसे एनिमल बड़ा होता गया उसमें मिनरल्स की रिक्वायरमेंट कम होती गई है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट मिनरल्स की, वो है पोटाशियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये तीनों एक ऐसे मिनरल्स हैं जो बॉडी को सप्लीमेंट करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल हम दे रहे हैं, जो फीड हम दे रहे हैं, जो प्रोटीन सोर्स हैं, एनर्जी सोर्स हैं, उनमें से ही अपनी जो ये एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब सफिशिएंट होते हैं, मतलब एक्सटर्नली बॉडी में देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं, मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल माना गया है, मैंने काफी सारे रिसर्च पेपर्स में देखा इसका, कि जो कैनाबलिज्म को प्रिवेंट करता है। कैनाबलिज्म मीन्स कि जो जैसे कोई पार्चुएशन हुई है जैसे सूरी की, तो अपने ही बच्चों को दिखा जाती है, तो उनमें पाया गया था कि उनमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी थी, तो उनको जब मैग्नीशियम प्रोवाइड किया गया तो ये मतलब कैनाबलिज्म की शिकायत दूर हो गई थी। वैसे ही पोटाशियम है, पोटाशियम एक मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, अलॉन्ग विद कैल्शियम पोटाशियम का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है मसल की डेवलपमेंट और उसकी कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इनके इंडिपेंडेंट कितना कितना रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपने आई थिंक टेबल में देख ही लिया होगा, तो पोटाशियम हमारा चाहिए 0.3% और मैग्नीशियम चाहिए 0.04%, किसके केस में 5 to 7 kg जो पिगलेट्स हैं उनके केस में। अगर मैं बात करूं 100 kg जो पिग हैं जिनका वेट 100 kg हो गया है, उनके अबव कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए पोटाशियम की, वो है 0.17% और मैग्नीशियम कितना है 0.04%, ठीक है। मैग्नीशियम की जो रिक्वायरमेंट है, अगर 5 kg की बात करें और अगर 150 kg की बात करें तो सेम ही रहती है, दैट इज 0.04%, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू फॉर द केस ऑफ पोटेशियम, उसमें से ये डिफर करती रहती है, जैसे 0.3 से स्टार्ट होगी एंड इट विल गो अबाउट 0.17% तक। तो ये टेबल वीडियो के एंड में आएगा, तो आप कंप्लीटली देख सकते हो कितना कितना हर एक एज ग्रुप में इसकी रिक्वायरमेंट है। और ये सारी डिटेल्स जो रिक्वायरमेंट है वो NRC नेशनल रिसर्च काउंसिल, जो हमारी एनिमल न्यूट्रिशन की सबसे बड़ी बॉडी है, उसमें से ली गई है। तो आई होप आपको ये वाले मिनरल्स की वीडियो अच्छी लगी, और हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मिनरल्स के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज डॉक्टर चरणदीप। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।